अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1B आपके पास। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हमने दो टॉपिक देखे थे जिसमें हम पढ़े थे कंडीशनल और हम लोगों ने अनकंडीशनल पढ़ा। जब हमने कंडीशनल पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने दो टॉपिक देखे थे, ऑन गो टू, और आपके पास आता है ऑन एरर गो टू। और जब हमने कंडीशनल अनकंडीशनल पढ़ा तो उसमें आपके पास आता था गो टू। गो टू में आपने जिस लाइन पे जाना होता था हम उस लाइन पे डायरेक्ट चले जाते थे, ठीक है, और बाकी लाइन्स उसमें क्या होती थी, स्किप हो जाती थी। ऑन गो टू में जो हमने फंक्शन लगाना होता था उसको हम एक नंबर दे देते थे और डायरेक्ट वो उस लाइन पे चला जाता था, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। अब ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लाइन है द कमांड अनेबल एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ GW बेसिक एंड स्पेसिफाई द लाइन नंबर एरर हैंडलिंग रूटीन। यानी कि आपके पास इसमें जौन से एरर होते हैं ये उसको बताता है, ठीक है। आपके पास कौन सी लाइन में एरर है ये उसको बताता है कि आपके पास इस लाइन में एरर है या इस कोड में एरर है, तो आप उसमें डायरेक्ट जाकर एरर को देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इसका साइंटिक्स क्या है, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। आप ऑन एरर ऐसे लिखेंगे, गो टू लाइन नंबर जिसमें आपका एरर होगा आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल आती है। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपके पास ऊपर टॉपिक पे हेडिंग है ERL और ERR, ठीक है। ERL का मतलब है प्रोग्राम कोड, ठीक है, जिसमें आपके प्रोग्राम में एरर हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ERL का मतलब है कि आपकी कौन सी लाइन में एरर है, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या है, रिजर्व वर्ड है, लेकिन एज अ वेरिएबल भी हम इसको ले लेते हैं, लेकिन इनके ये स्पेसिफिक है, आप इनको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। आप इनको अपनी मर्जी से चेंजिंग नहीं कर सकते, आप इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक सैम्पल देखती हूँ, एग्जाम्पल देखें ऑन, ठीक है। उसने क्या लिया, दो नंबर ले रहा है और वो कहता है कि एरर होगा तो आपने किस में मूव आउट हो जाना है, लाइन नंबर 70 पे। अब देखें यहाँ पर हमें पता है दो नंबर लेने हैं, नंबर को हमने क्या करवाया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवा कर हम क्या करवाने हैं स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर जब हम प्रिंट करवाते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पर देखें जाहिर सी बात है हमने दो नंबर लेने हैं, तो आप क्या करेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर एंड वन, यहाँ पर आपको ये जो फंक्शन, ये जो आपने परसेंटेज का साइन लगाया ये किसको शो कर रहा है, इंटीजर को, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखें आपके पास इनपुट सेकंड नंबर, ठीक है, आपने दोबारा ये आपको पता है ना इनपुट के बाद हम जो भी यूजर से रिक्वायर करते हैं वो हम डबल कोटेशन मार्क में क्लोज करते हैं, कोमा लगाते हैं, एन वन फर्स्ट नंबर को शो कर रहा है, एन टू आपका सेकेंड नंबर को शो कर रहा है, परसेंटेज के साइन इंटीजर को शो कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये स्टूडेंट याद करना है। अब ये आपको स्टेटमेंट्स यानी कि आपको इनपुट आउटपुट कैसे देना है, प्रिंट कैसे देना है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है आपको इस तरह इससे रेलिवेंट प्रोग्राम पेपर में आते हैं, ठीक है। आपके पास आपको पता होना चाहिए कैसे आपको इनपुट देना है और कैसे आपने आउटपुट देना है। नेक्स्ट और स्टूडेंट नेक्स्ट देखें आर, आर परसेंटेज का मतलब है जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपको पता है परसेंटेज इंटीजर को शो करता है, इंटीजर कितनी होनी चाहिए, 2 byte, ठीक है। आपकी इंटीजर 2 byte होनी चाहिए, हमने जब टाइप ऑफ डिक्लोरेशन पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ी थी ये, ठीक है। आप भूल गए हैं तो आप दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी 2 bytes मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है। आपने क्या करना है इसको, नेक्स्ट देखें आपके पास प्रिंट इक्वल, यहाँ पर ये जो आर होगा वो यहाँ पर आ जाए एंड, और अगर तो कोई एरर होगा तो लाइन नंबर किस पे चला जाए, 70, यानी कि प्रिंट आपका क्या करवा देगा, एरर कोड इज इक्वल टू एरर, ठीक है, आर आर, ठीक है। अगर आपका एरर है फिर लाइन नंबर भी बताएगा वो। अब जिस तरह स्टूडेंट्स आप जब ये प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है, आपने इस पे भी परसेंटेज डाला कि आपकी इंटीजर होनी चाहिए, ये भी आपकी परसेंटेज है ये भी, ठीक है। जब आपने इसका काम किया तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, आपके पास परसेंटेज को, ठीक है, यहाँ पर आपको जब आप रन करेंगे, रन करने के बाद वो एंटर करते हैं आप, ठीक है, या आप रन लिख देंगे, आप क्या करेंगे एंटर रन लिखेंगे तो आपके पास एंटर ये आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने 400 लिख दिया, एंटर सेकंड नंबर, आपके पास ये आ गया।
तो आपके पास ये जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बाइट से ज़्यादा मेमोरी लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये इंटीजर नहीं रहते, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास इंटीजर नहीं रहते स्टूडेंट, तो आप लोग क्या करते हैं तो ये एरर शो करवा देगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसको एरर शो करवाएगा, और यहाँ पर लाइन नंबर कौन से में एरर है, 40 में। देखिए लाइन नंबर 40 यहाँ पर एरर है ना, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई किया और आपकी वैल्यूज़ क्या होगी, ग्रेटर होगी, और तो किसी लाइन में नहीं, यहाँ पर नंबर दिए नो प्रॉब्लम, यहाँ पर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट वो कोड आपके पास म्यूटम ही सेव होता है, लेट्स सपोज हम कहते हैं इस कोड प्रोग्राम का एरर कोड क्या है, 6 है, ये वो खुद ही बता देगा, और लाइन एरर नंबर को उसमें है कौन सी लाइन में, 40 पे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। आपने नॉर्मली 3 ले लिया और यहाँ पर आपने 4 ले लिया, इनको एंटर किया मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12 हो जाता है, ठीक है। तो वो इस टाइम में आपको वो एरर नहीं शो करेगा, जस्ट क्या करेगा, प्रिंट रिजल्ट, आपका आंसर क्या आ गया होगा, 12 आ जाएगा, तो आपको इजीली वो आंसर यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, रिजल्ट इक्वल टू 12, ठीक है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंटीजर अगर आप डेटा टाइप दे रहे हैं तो उसकी रेंज उतनी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी मेमोरी में उतना ही डेटा सेव होगा, ठीक है। अगर आप ग्रेटर देते हो तो वो भी आपको किस में कंज्यूम किया जाता है, एरर्स में, ठीक है। प्रोग्राम कोड आपके आप नहीं लिखते, वो ऑलरेडी आपको शो करवा देता है, वो आपके कंप्यूटर में ही होता है, लेकिन आपको लाइन नंबर कैसे पता चलती है, जिसमें आपका एरर होता है, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट ये टॉपिक अगर तो आपका अनकंडीशनल आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, अनकंडीशनल में तो आपके पास गो टू था, अगर आपके पास कंडीशनल आता है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसके 2 टॉपिक्स आते हैं, एक ऑन गो टू स्टेटमेंट्स हैं, आप वो टॉपिक लिखेंगे, डेफिनेशन सिंटैक्स एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर आपके पास दूसरा उसका पार्ट है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन सिंटैक्स डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, यहाँ पर आपके पास ERR और ERL है, यहाँ सिर्फ ये लिख लेंगे और लास्ट में ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है। आप एग्जाम्पल में ये नहीं लिखते आप रन, ठीक है, आपने ये नहीं लिखना, ये आपका काम नहीं है, बस आप सिर्फ प्रोग्राम तक ही लिखते हैं, ये आपके समझाने के लिए होता है स्टूडेंट। ये आपके GW बेसिक पे आप लोग लिखते हैं, जब रन करते हो तो आपके पास एक और स्क्रीन आती है जिसपे आपके पास वो आपसे क्वेश्चन कहता है, जो यूजर से हम रिक्वायर करते हैं वो उसमें होता है, ठीक है, जिसमें नंबर आपको 2 चाहिए थे वो नंबर रिक्वायर करेगा, आप एंटर करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, एंटर करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपने टॉपिक एज इट इज़ याद करना है और एग्जाम्पल को याद कर करके लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आपके पास टॉपिक है, आर्टिकल है 3.4 सिलेक्शन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, ठीक है, आपने उसके बाद सिलेक्शन आ जाता है। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे लूप, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन में आपके पास 2 आ जाती हैं, एक होता है इफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इसे हम डिसीजन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम इसे क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास इसमें आपको डिसीजन करना होता है कि अगर ये चीज़ आती है तो आपने देन क्या काम करना है, अगर नहीं आती तो तब आप क्या काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इफ देन जो है वो हमारे पास सिंपल है, जो इफ देन है वो आपके पास थोड़ी कंडीशन लगा कर आता है, हम उसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखें इफ देन, ठीक है, इफ देन क्या होता है स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट इज द डिसीजन मेकिंग डिसीजन स्टेटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज ईजी टू, यानी कि आपकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, यानी कि उसको रन करने का वे चेंज हो जाता है, यानी कि अगर मैं सिंपल कहूँ कि आपने क्या करना है, मैं आपसे सिंपल कहती हूँ कि अगर किसी बच्चे के मार्क 33 हैं तो आपने इफ लगाया कंडीशन, इफ के बाद स्टूडेंट ये जो इसने स्पेस छोड़ी है इसका मतलब यहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं, ये आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए तो प्रोग्राम ये काम करे, अगर आपकी ये कंडीशन नहीं होती तो वो ये काम करे, ठीक है, आपका सिंपल होता है। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, इफ अगर तो मार्क्स 40 है तो आप क्या कह देंगे, ये पास 33 से यानी ग्रेटर है तो हम कहेंगे पास, अगर आपके पास लेस है तो आप सिंपल कहोगे कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, फेल, यानी कि एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आपने पास और फेल का सिंपल बताना है तो आप ये कर देंगे, अगर मार्क्स जो हैं देन आपके पास स्टेटमेंट जो आप कंडीशंस देते हो वो यहाँ पर लिखी जाती हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, ये आपके पास साइंटेक्स है। साइंटेक्स में क्या है? इफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। जो भी आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीज होगी देन ये काम आपने करना है। यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन का मतलब है कंडीशन। जिस तरह मैंने आपको छोटी सी एग्जाम्पल बताई थी कि आपके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होने चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 देन पास या फेल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है। नेक्स्ट आपके देखें इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर। आप यहाँ पर लाइन नंबर भी लिख सकते हैं। मैं आपको फर्दर एग्जांपल देके बताऊंगी कि लाइन नंबर का मतलब क्या होता है। आप ये याद रख लेंगे आपके पास दो साइंटेक्स होते हैं, एक होता है इफ एक्सप्रेशन और देन स्टेटमेंट, और दूसरा क्या होता है इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, ठीक है। आपका यहाँ से मूव आउट हो जाता है आपकी लाइन नंबर पर। यहाँ पर देन जो है कीवर्ड के तौर पर यूज होता है इफ देन, ठीक है। आपने इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ना आप इसको एज अ वेरिएबल्स ले सकते हैं। आपने हमेशा इनको एज अ कीवर्ड ऐसे ही लिखने हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर देखें आपके पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है फ्लो चार्ट में इसका क्या है, आप डायमंड शेप में कंडीशन को हम शो करते हैं डिसीजन मेकिंग में, हमने पढ़ा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग सिंबल्स हम पढ़ते हैं, तो आप डायमंड शेप यूज करते हैं। यहाँ पर आपकी कंडीशन आती है, फिर आपको पता चलता है ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। आपने यहाँ पर चेक करते हैं, आपने इसको भी जब आपका लॉन्ग एज अ क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, साइंटेक्स। आप यहाँ पर बेशक लिख लें फ्लो चार्ट ऑफ इफ देन एल्स, तो आप ये वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देंगे सर, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको बताया गया है, लेट्स मैं आपको मूव करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले देखें, मैं आपसे कहती हूँ कि हमने कुछ नंबर, ठीक है, यूजर से हम कहते हैं कि कोई नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। आपने यूजर से एक नंबर लेंगे, आपने ये बताना है कि आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। आपने ये बताना है कि आपका नंबर पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है आपका नंबर कभी नेगेटिव भी आएगा और सम टाइम आपका नंबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव भी आएगा। आपका देखें यहाँ पर इफ देन हम स्टेटमेंट यूज करें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमने यूजर से नंबर लेने हैं, हम इनपुट स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। एंटर अ नंबर, नंबर के बाद डबल क्वोटेशन मार्क में क्लोज करेंगे, कोमा एन, एन किसको शो करें, नंबर। अब देखें यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखें हमने लिखा इफ एन, अगर तो n जाहिर सी बात है जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है। n जो है वो जीरो से ग्रेटर होगा तभी तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपको यहां से पता चलता है देन हम क्या कहते हैं, देन अगर तो ये कंडीशन हो देन क्या प्रिंट कर दो कि नंबर इज पॉजिटिव। आपका नंबर क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। यहां पर देखें आपका आउटपुट में क्या आएगा, एंटर नंबर, आपने नंबर क्या किया 5, तो आपका 5 जब नंबर आप एंटर करेंगे तो वो आपको क्या कह देगा, यहाँ पर आके वो कंडीशन चेक करेगा, आपकी कंडीशन क्या हो गई, ओके हो गई, देन वो क्या प्रिंट करवा देगा, नंबर इज पॉजिटिव। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप ये करते हैं कि नंबर एंटर क्या कर देते हैं -5, तो आप लोग क्या कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाता है आप नेगेटिव नंबर करते हैं तो वो क्या कहेगा, आपको प्रिंट क्या आएगा, इसके लिए अब हम देखते हैं वो मूव हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सिंपल है ना, तो वो नेगेटिव नंबर आप करते हैं ना -5, तो वो ये यहाँ ही पे आके चेक करेगा, एन जो है वो ग्रेटर नहीं है, ठीक है, स्मॉलर है जीरो से, तो वो यहीं से मूव कर जाएगा और आंसर आपको क्या दे देगा स्टूडेंट, यहाँ पे वो एंड कर देगा और आपको कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है, इसमें आपको मैसेज शो कर देगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपने ये भी ऐड करना हो कि अगर तो आपका नंबर क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो वो पॉजिटिव प्रिंट करे, अगर आप एंटर करते हैं नंबर और नंबर आपका नेगेटिव हो देन वो ये मैसेज भी शो करे कि आपका नंबर क्या है नेगेटिव। इस केस में स्टूडेंट क्या होता है, आप कंडीशन क्या बनाएंगे, इफ नंबर इज लेस देन जीरो देन प्रिंट नंबर इज अ पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपका इस कंडीशन में क्या होगा, अगर तो आप एंटर करते हैं नंबर, ठीक है, आपने नंबर किया -5 जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा, अब हम ले लेते हैं 7। अब आप क्या करते हैं यहाँ पर नंबर आपने 7 किया, यहाँ पर आके देखेगा इसमें इस केस में क्या कर देगा, आप यहाँ पे आके चेक की उसकी कंडीशन तो आपको प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव। अब आप -7 जब प्रिंट करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले वो इधर आएगा, इसको चेक करेगा, नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कंडीशन ठीक हुई, तो नेक्स्ट वो मूव कर देगा लाइन नंबर 30, यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर दें लाइन नंबर 10, 20 और 30 ये होगी और ये लाइन नंबर 40,
ठीक है, आपके पास यहाँ पर आएगा और इफ यहाँ पर आके कंडीशन चेक करेगा, आपका एन जो है वो स्मॉलर है जीरो, देन वो प्रिंट कर देगा आंसर, आपको क्या देगा, नंबर इज अ नेगेटिव, और वो एन पे मूव कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये बात करते हैं कि अब आपको ये कैसे पता चलता है। ठीक है, हमने दूसरे एक साइंटेक्स पहले पढ़ लिया था, हम उसकी एग्जाम्पल हमने कुछ देखी है, नेक्स्ट हम ये वाली एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आपका ये कंडीशन हो तो कौन सी लाइन में मूव करना चाहिए। देखें यहाँ पर इनपुट, एंटर अ नंबर, आपने नंबर लिखा, डबल कोटेशन मार्क किया, कोमा n, ठीक है, n किसको शो कर रहा है, नंबर को। If n is greater than 0, then line number 40 print हो जाए। अगर आपकी कंडीशन क्या हो, इधर आके 30 पे आती है, n जो है वो लेस देन होता है, देन वो लाइन नंबर किस में मूव कर जाए स्टूडेंट्स, 50 पे मूव कर जाए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप n, ये जो मैंने n यूज किया है, आप इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है, लाइन नंबर 60 पे। अब मैं आपको पर्पस बताती हूँ इस n का मतलब क्या है, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्राम को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे लाइन नंबर 10 पे आएगा, ठीक है, वो जैसे ट्रांसलेटर रीड करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, आपसे एन की वैल्यू मांगेगा, ठीक है, आपने एन की वैल्यू दे दी 5, तो यहाँ पर आप देखें 5 की वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव। इफ एन यहाँ पर आकर कंडीशन चेक हुई, देन मूव किसमें कर गया, वो लाइन नंबर 40 पे, आंसर आपका पॉजिटिव, उसको एंड यहीं पे उसने आंसर दे दिया, ठीक है। इसी तरह लाइन नंबर 30 पे आता है स्टूडेंट, यहाँ पर जब लाइन नंबर 30 वो नहीं देखेगा, यहीं पे 20 देखेगा, 20 के बाद वो डायरेक्ट मूव कर जाएगा लाइन नंबर 40 पे और आपको आंसर दे देगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं -5 किया तो आपको क्या करेगा, ये लाइन की ये यहाँ से तो आपसे वैल्यू लेता है, यहाँ से मूव कर जाएगा, इस लाइन को नहीं देखेगा, लाइन नंबर यहाँ पे आके चेक की नहीं हुआ तो लाइन नंबर 30 पे मूव कर गया। लाइन नंबर 30 पे जब मूव करेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 में इसने देखा n इज लेस देन, ठीक है, -5 लेस था, देन वो मूव किसमें कर जाएगा 50 पे, प्रिंट कर देगा यहाँ पे n इज नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता चल गया कि लाइन नंबर आपने कैसे लिखना है, ठीक है, आप कंडीशन के बाद जो आपने इस लाइन के आगे देना होता है ना, वो आप प्रिंट किस में लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हमने कोलन के बाद एंड क्यों लगाया स्टूडेंट, आप देखें यहाँ पर हम करते थे ना, इसका एंड नहीं करते हैं, तो हम इसका एंड एंड मतलब एंड में लिख देते हैं। अब पहले वो ये पढ़ेगा, फिर ये देखेगा और फिर एंड, ठीक है, इसमें ये था। अब एंड साथ लिखने का क्या है, हमने पढ़ा है कि जब हमने एक लाइन में दो स्टेटमेंट लेनी हो तो हम उसके दरमियान में क्या यूज करते हैं, कॉलन, ठीक है, हम कॉलन लगाकर उन लाइंस को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जब हमने इन लाइंस को सेपरेट करना होता है ना स्टूडेंट्स, हम जिस तरह अगर हम ये एंड ऑन एंड में भी लिख सकते थे, तो पहले इसको करता फिर इसको चेक करता, वो इस तरह नहीं, ठीक है, उसने क्या किया, डायरेक्ट साथ ही हमने लिख दिया। इसका बेनिफिट यह है कि आपने क्या करना है कि आपने एंड साथ यहीं पे आकर वो चेक करेगा और साथ ही उसको प्रोग्राम को एंड कर देगा। इसी तरह आप 30 लाइन को रीड करेगा, 50 को करेगा और साथ ही वो उसको एंड कर देगा। स्टूडेंट्स आपने इसकी एग्जांपल, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थी, मैंने इसलिए आपको ये वाली एग्जांपल करवाई है। आपने इस तरह के छोटे से प्रोग्राम, ये जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया है, आपने ये वाली जो मैंने एग्जांपल दी है, ये आपने इसको समझे, साथ साथ जो मैंने आपको समझाया है उसे करें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इफ देन एल्स की तरफ। इफ देन एल्स की तरफ हम देखते हैं कि अब इसके क्या सिंटैक्स होते हैं, इसमें आपके पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, इफ देन, इफ एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट एल्स, तो आगे नेक्स्ट, ठीक है, स्टेटमेंट्स, यानी कि अगर आपका ये काम ये है तो आप उसके बाद ये भी काम कर सकते हैं, इसमें ये हो जाता है और इसमें भी यही है, इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर एल्स स्टेटमेंट, और इसके पास आपके पास फ्लो चार्ट क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन लिखते हैं ट्रू और फॉल्स, फिर आपके पास मोर कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कि आपके पास आगे आपके पास एल्स के बाद और स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो कि आप देते हैं। नेक्स्ट आपके पास इफ देन एल्स की एग्जांपल आती है, इससे पहले हमने सिंटैक्स को दोबारा देख लेते हैं। इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हुई ये कंडीशन, तो देन आपने ये वाली एग्जीक्यूट करवा देनी है एल्स, फिर आप अगर फॉल्स होती है तो आप दूसरी वाली कंडीशन की तरफ मूव आउट हो जाते हो, ठीक है। इसी तरह आप पहले हम इस साइड वाले एक्सप्रेशन सिंटैक्स को देखते हैं कि किस तरह आपने चेक करना है। देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल क्या है, जिसमें आपने दो इनपुट नंबर्स लेने हैं यूजर से और आपने फिर बताना है इसमें ग्रेटर कौन सा है, और अगर ग्रेटर पहला नंबर ग्रेटर है तो आप फर्स्ट नंबर को प्रिंट करवा दें, अगर सेकंड नंबर ग्रेटर है तो आप सेकंड नंबर को प्रिंट करवा दें, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, आपने जाहिर सी बात है हमने दो नंबर लेने हैं, इसका मतलब यह है कि हमने दो नंबर किस तरह लेने हैं, इनपुट स्टेटमेंट लेनी है, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर डबल क्वोटेशन मार्क करके क्लोज कोमा ए, अब सेकंड के लिए भी सेम एज इट इज, इनपुट एंटर द सेकंड नंबर डबल क्वोटेशन मार्क कोमा बी, ए और बी आपको शो करवाएं दो नंबर्स को। अब हम लिखते हैं यहाँ पर अपना
सिंटैक्स, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर एल्स. ठीक है, हमने एक बार ये यहाँ पे कंडीशन दे दी जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन कहा था. देन उसके बाद आप देखें आपके पास क्या आता है स्टेटमेंट. ये मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दी स्टेटमेंट, द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. एल्स देखें आपके पास उसके बाद क्या होगा, आपके पास एल्स के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट और हम क्या कह देंगे एल्स प्रिंट सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगी, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर. यहाँ पर आपके पास एंड हो गई. अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि हमने क्या किया, एक नंबर लिया, एक का वैल्यू ले ली हमें हमने 5 और बी की वैल्यू ले ली 2. ठीक है, 5 और 2. अब देखिए यहाँ पर आकर आपका ये चेक होगा, सबसे पहले इफ 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है. ठीक है, हमें पता चल गया ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू. देन वो प्रिंट क्या करवा देगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो उस सेकंड देखेगा ही नहीं. ठीक है, अभी यहीं से कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करेगा, यहीं पे वो मैसेज दे देगा कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. अब इसी तरह देखें आउटपुट में, अगर हम ये कहते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर. ठीक है, हम कहते हैं कि सेकेंड नंबर क्या हो, वो ग्रेटर हो. लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसने वैल्यू क्या दी, हम कह देते हैं कि यहाँ पर ही अगर हमें वो दे देता, ए की वैल्यू आप उल्ट कर लेते हैं, बी की वैल्यू 5 ले लेते हैं और ए की वैल्यू ले लेते हैं 2. ठीक है, आउटपुट में वो जब आपसे रिक्वायर करेगा, अपने ऑपोजिट हमने इस दफा कंसिडर कर ली कि अब बी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू क्या है 2. यहाँ पर स्टूडेंट आके चेक करेगा, यहाँ पर ही वो क्या करेगा प्रिंट देन, तो वो इसको चेक करेगा, कंडीशन आपकी क्या होगी फॉल्स ट्रू. ठीक है, वो इसको छोड़ देगा, वो एल्स पे आएगा, यहाँ पर आके वो आपको आउटपुट में क्या आंसर शो कर देगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर और उसके बाद एंड. ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि एक और साइंटिक्स पढ़ा था जिसमें आपको ये बताया था इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर एल्स स्टेटमेंट. आपने क्या करना है कि ये आपके पास एक दूसरा साइंटिक्स था और हमने इस साइंटिक्स के बेस से मैं आपको बताती हूँ. आपने यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर आपके एक लाइन में लिखा वो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा कम करना चाहें तो हम क्या करते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन 40. अगर ये ठीक है तो लाइन किस पे मूव कर जाए, 40 पे, एल्स वरना आप किस पे चले जाए, 50 पे. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने ए की वैल्यू दे दी 8 और बी की वैल्यू क्या दे दी 13. यहाँ पर इफ आ गया, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई तो ये आपके पास फॉल्स होगी, देन यहाँ पे मूव नहीं करेगा. फॉल्स होगी तो किस पे मूव कर गया, 50 पे. वो डायरेक्ट इसको स्किप करता हुआ 50 पे जाएगा और प्रिंट क्या करवा देगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर. ठीक है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट यहीं पे मैंने कोलन दे के एंड और एक, आपको पता है कि जब हम एक लाइन में दो स्टेटमेंट देते हैं तो हम सेपरेट किससे कर लेते हैं, कोलन से. इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू दी जाए 5 और इसकी वैल्यू दी जाए 3. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अब ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, ट्रू. देन किस में मूव कर जाए, 40 पे, तो वो आगे रीड नहीं करेगा, ड्रग यहीं से मूव कर जाएगा 40 पे. आप क्या प्रिंट करवा देगा आंसर में, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और यहीं पर एंड हो जाएगा. ठीक है, आपको इसके लिए वापस जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे वो स्टूडेंट आपको एंड कर देगा और आपको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा. ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल थी आपके पास इफ देन एल्स की. स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपके पास हमने आज पढ़ा था सिलेक्शन. ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की हमने पढ़ी, इफ देन स्टेटमेंट ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और जब आपके पास आएगा तो आपने इन दोनों में क्या करना है, इसके सिंटैक्स और डेफिनेशंस लिखनी है. ठीक है, फ्लो चार्ट लिखने हैं, सिंटैक्स वगैरह आपने इसे क्लियरली बताना है. स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें हम यूज करें हैं एंड ऑपरेटर का. ठीक है, अब एंड ऑपरेटर को यूज कर आपने क्या करना है, इफ एल्स कैसे, इफ देन कैसे यूज करते हैं, अब हम उसको देख लेते हैं. सबसे पहले देखें इफ, आपको पता है कि 3 नंबर्स लेंगे हम, उसमें चेक कर रहे हैं. सबसे पहले इनपुट में लिया ए बी सी. ठीक है, हमने ए की इनपुट लिया, उसके हमने कोमा लगा के आपने 3 वेरिएबल्स दे दिए ए बी सी. सबसे पहले लाइन नंबर 20 में इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी. स्टूडेंट देखें अगर एक चीज हमने 3 चीजों में चेक करनी हो कि उसमें से कौन सी ग्रेटर, इसका मतलब है वो बाकी दोनों से भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर. इसी तरह ए की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी इट्स मीन कि वो बी और सी से भी ग्रेटर होनी चाहिए. इसी तरह अगर बी की वैल्यू ग्रेटर इट्स मीन कि वो बी ए से भी और सी से भी ग्रेटर होनी चाहिए. इस तरह अगर हम सी को देखते हैं तो इसका मतलब सी की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी इसका मतलब ये भी है कि वो ए से भी ग्रेटर हो, सेकेंडली वो किससे ग्रेटर हो, वो बी से भी ग्रेटर हो. इस कंडीशन को आप थोड़ा जहन में रखें. वो कहता है इफ ए की वैल्यू ग्रेटर हो बी से एंड
ए इज ग्रेटर देन सी. अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास क्या होती हैं, चेक होती हैं, ठीक है, दोनों आपकी सही आती हैं, ये ग्रेटर हो जाता है, देन वो लाइन मूव कर जाए 50 पे, यानी कि वो प्रिंट क्या करवा दे, फर्स्ट नंबर इज लार्जर. इफ बी अगर ग्रेटर है ए से एंड बी, और बी ग्रेटर है सी से, ये दोनों आपकी सही हो जाती हैं, बी ग्रेटर हो जाता है, देन वो किस में मूव आउट हो जाए, 60 लाइन पे, यानी वो प्रिंट क्या करवा दे, सेकेंड नंबर इज लार्जर. इसी तरह इफ अगर सी ग्रेटर है ए से एंड, और सी ग्रेटर हो किससे, बी, देन वो मूव किससे कर जाए, 70 से, देन आपका प्रिंट क्या करवा दे, थर्ड नंबर इज लार्जर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास थोड़ी सी एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं आगे. अब देखें स्टूडेंट्स, हमें वो रिक्वायर करता है, आपको मैंने बताया था जब हम कोमा से करते हैं वो कोई है, हमने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क करके नहीं लिखा, इसीलिए हमें उसने नहीं कहा आउटपुट में, वो आपसे वैल्यूज पूछेगा, आप वैल्यूज देंगे. क्वेश्चन मार्क शो करता है जब हम इस तरह लिखते हैं कोमा करके, वो क्वेश्चन मार्क शो करेगा, मैंने वैल्यूज लिखी है, ए की वैल्यू होगी 11, बी की वैल्यू होगी 5 और सी की वैल्यू होगी 6. स्टूडेंट्स सबसे पहले जब आपके पास वो चेक करेगा लाइन नंबर 20 पे, इफ, अब देखें आपको पता है एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ही ट्रू होगा, ठीक है, देन ही वो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं. अब देखें यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आके देखें, यहाँ पर 11 ग्रेटर है बी से, देखें 11 की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या, 5, 11 इज ग्रेटर देन आपके पास किससे आ गया, 5 से, तो आगे आपके पास क्या आ गया, आपके पास 11 ग्रेटर हो गया किससे, 6 से भी, तो देन वो किससे मूव कर जाएगा, लाइन नंबर इसके पास 50 पे, यहाँ पे वो शो कर देगा फर्स्ट नंबर इज लार्जर. इसी तरह अगर हम ये करते हैं इफ बी इज ग्रेटर देन ये वाले कंडीशन, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट कर देते हैं, अब मैं कहती हूँ बी की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट टाइम, 15 हो गई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में आएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 11 इज लेस देन 15, ठीक है, यहाँ पर ये फॉल्स हो गई, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो जाहिर सी बात है एक ट्रू है और एक फॉल्स है, ये नहीं जाएगा. नेक्स्ट पे आएगा, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 11 है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी कंडीशन ट्रू होगी, बोथ कंडीशन आर ट्रू, देन वो मूव कर जाएगा लाइन नंबर 60 पे, ठीक है, यहाँ पर मूव करेगा तो वो कह देगा सेकेंड नंबर इज लार्जर. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टाइम वो कह देता है 16, और अब यहाँ पर सी की, यहाँ पर ये स्किप कर देगा, ये भी स्किप कर देगा 20 लाइन, और 30 लाइन भी स्किप कर देगा, डायरेक्ट मूव कर देगा किस पे, लाइन नंबर 40 पे. अब देखें यहाँ पर आके चेक करता है सी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती जा रही थी, ठीक है, अब यहाँ पर सी की वैल्यू 16 है और ए की वैल्यू क्या है 11, वो यहाँ पर आकर चेक करेगा, ये ट्रू हो गई, और यहाँ पर देखें सी की वैल्यू बी से भी ग्रेटर, यहाँ ये भी कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब वो लाइन मूव कर देगा 70 पे, वो प्रिंट करवा देगा थर्ड नंबर इज लार्जर. स्टूडेंट इसी तरह ये आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन चेक हो जाएंगी बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, ठीक है, आपने एंड ऑपरेटर को यूज करके इस कंडीशन को चेक करना है. और स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आपको ऑपोजिट आता है, ये तो हमने लार्जर देखा ना, अगर वो स्मॉलर कहता है तो हम ये साइन ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि लेस देन का साइन इस तरफ, ग्रेटर देन का साइन इस तरफ, ये आप साइन चेंज कर देंगे, और यहाँ पे भी लिख देंगे स्मॉलर, लार्ज फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, सेकेंड नंबर इज स्मॉलर, थर्ड नंबर इज स्मॉलर, ठीक है. स्टूडेंट्स आज का जो हमने लेक्चर पढ़ा, इसमें आपने इफ देन और इफ देन एल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने इसका टॉपिक बाय डेफिनेशन, फिर आपने साइंटिक्स, और देन आपने क्या करना है इसकी एग्जांपल्स, ठीक है, आपने याद करना है, अपनी कॉपीज में लिखना है. स्टूडेंट इससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके नोट्स में भी होंगे, आप वहां से भी याद कर दिएगा, और जो मैंने आपको प्रोग्राम समझाए हैं इसको साथ साथ करें, और इसको लाइन बाय लाइन, एक लाइन को पढ़ें फिर आप उसको समझें और उसको करें, फिर लाइन बी 20 लिखें, सब सारी लाइन्स को लिखें और प्रोग्राम को डिफरेंट वैल्यूज देकर स्टूडेंट्स आपने रन करना है कि जो एक्यूरेट आपको आंसर चाहिए कि वो मिल रहा है कि नहीं. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.